हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमजे स्टार एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आरआरबी मुंबई जोन से एक और बड़ी खुशखबरी आ रही है। पहले जो है एलपी कैंडिडेट का रिप्लेसमेंट पैनल जारी किया था और आज जो है आरआरबी मुंबई जोन के द्वारा टेक्नीशियन कैंडिडेट का भी जो है रिप्लेसमेंट पैनल जारी कर दिया है वेरियस पोस्ट ऑफ कैटेगरी का। और इसके अंदर जो है कट ऑफ भी कम हुई है और वेटिंग लिस्ट भी क्लियर हुई है। तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखेगा, पूरी अपडेट दूंगा। और जो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि उन्हें भी पल पल की न्यूज मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, चलते ऑफिशियल अपडेट के तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो अभी मैं हूँ आरआरबी मुंबई के ऑफिशियल वेबसाइट के तरफ। और यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना रहेगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट मैसेज के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपको जो कुछ इस प्रकार से एक पेज खुल जाएगा। और इसके अंदर नीचे की तरफ जब आप आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये अपडेट जारी हुआ है। सीएन नंबर 01/2018 एलपीएन टेक्नीशियन के अंदर क्लिक हियर टू व्यू फाइनल सप्लीमेंट्री रिप्लेसमेंट रिजल्ट एंड कट ऑफ मार्क्स। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको एक पीडीएफ जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो अपने पीडीएफ जो डाउनलोड हो चुके रेलवे भर्ती बोर्ड मुंबई सेंटर फाइनल सप्लीमेंट्री रिप्लेसमेंट रिजल्ट टेक्नीशियन कैटेगरी और सीएन नंबर 01/2018। और आज के तारीख के अंदर ये जारी हुआ है। और यहाँ पे बताया कि CBT 1 एग्ज़ाम कब हुआ, CBT 2 कब हुआ, उसके बाद जो CBET टेस्ट था वो, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब हुआ, ये वही यहाँ पर बताया गया। साथ ही के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो कैटेगरी नंबर 14 वेस्टर्न रेलवे में एक कैंडिडेट, फिर 25 के अंदर 3 कैंडिडेट, कैटेगरी नंबर 44 के अंदर 3 कैंडिडेट, 47 में वेस्टर्न रेलवे में 2 कैंडिडेट, उसके बाद 47 कैटेगरी इलेक्ट्रिकल पावर में सेंट्रल रेलवे में 2 कैंडिडेट, और 49 के अंदर सेंट्रल रेलवे में 5 कैंडिडेट और वेस्टर्न रेलवे में 1 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ, जिनके रोल नंबर यहाँ पे बताए गए। तो इनको बहुत बहुत बधाई। साथ ही के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो सेंट्रल रेलवे कैटेगरी नंबर 51 के अंदर 3 कैंडिडेट है, कैटेगरी नंबर 52 में 3 कैंडिडेट, फिर वेस्टर्न रेलवे में 52 में 3, सेंट्रल रेलवे में 53 के अंदर 2 कैंडिडेट। और इसी प्रकार यहाँ पे आगे आप देख सकते हो कैटेगरी नंबर 54 सेंट्रल रेलवे इलेक्ट्रिकल टीआरएस के अंदर 38 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, वहीं वेस्टर्न रेलवे में 1 कैंडिडेट का। और यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग कैटेगरी के अनुसार उनके रोल नंबर दिए हैं, जिनका भी सिलेक्शन इस पैनल लिस्ट के अंदर हुआ है। और पीसीएम की बात कर ली जाए तो सेंट्रल रेलवे कैटेगरी नंबर 134 टेक्नीशियन ग्रेड थी सिग्नल के अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 122 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, जिनके रोल नंबर यहाँ पे बताए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे के अंदर आप देख सकते हो 134 के अंदर 12 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, और सेंट्रल रेलवे के अंदर कैटेगरी नंबर 136 टेली कम्युनिकेशन के अंदर 15 और वेस्टर्न रेलवे के अंदर 1 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है कैटेगरी नंबर 136 के अंदर। टोटल जो 222 कैंडिडेट का सिलेक्शन इस रिप्लेसमेंट पैनल के माध्यम से हुआ है। और यहाँ पे वेटिंग भी क्लियर हुई है, और जो कट ऑफ डिक्रीज हुआ है वो यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे आप देख सकते हो सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे और कौन सी कैटेगरी है वो यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो कैटेगरी नंबर 134 के अंदर 82 गया सेंट्रल रेलवे में यूआर का, और वेस्टर्न में 81 गया है, वहीं 136 में सेंट्रल रेलवे के अंदर 82 गया है। और इसी प्रकार जो अलग अलग कैटेगरी का भी यहाँ पे कट ऑफ बताया गया। तो फ्रेंड्स, ये थी अपडेट टेक्नीशियन कैंडिडेट के लिए आरआरबी मुंबई जोन से। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल एमजे स्टार एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि इसी प्रकार न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।